हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ जबरदस्त टेस्ट वाली फिश फ्राई की रेसिपी, जिसे आज हम बिल्कुल नए और अलग तरीके से बनाने वाले हैं। और इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अगर आप इस तरीके से एक बार फिश फ्राई बना लेते हैं तो यकीन मानिए आप इस फिश फ्राई के दीवाने हो जाएंगे। तो आप भी इस तरीके से एक बार इसे जरूर ट्राई करके देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। फिश फ्राई बनाने के लिए हम एक बाउल में 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह पे अरारोट का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ काली मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर ऐड करेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसका हम गाढ़ा सा पेस्ट जैसा बना लेंगे। तो देखिए हमारा जो मसाला का पेस्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम फिश को इसमें कट करेंगे। तो यहाँ पर फिश फ्राई बनाने के लिए मैंने 1/2 kg रेहू फिश लिया था। अब हम फिश में इस तरीके से मसाले को अच्छे से कोट कर लेंगे। इसी तरीके से हम सारे फिश को अच्छे से मसाले में कोट कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे फिश को मसाले में अच्छे से कोट कर लिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे, उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक तवा को गर्म होने देंगे। हम फिश फ्राई को तवा में फ्राई करने वाले हैं। देखिए तवा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। देखिए ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम ऑयल को तवा के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, जिससे कि फिश इस पर चिपकेगी नहीं। अब हम एक एक करके फिश को तवा पे रखेंगे और हम फिश को मीडियम फ्लेम में दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता को इस तरीके से डाल देंगे, जिससे कि फिश फ्राई में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब ये ऑयल में कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है वो आएगा। तो देखिए फिश एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अभी से ही इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जिससे मैं आपको बता नहीं सकती। पूरे किचन में इस फिश फ्राई की खुशबू फैल चुकी है। अब इसे हम टर्न कर लेंगे और इसे हम दूसरे साइड भी मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फिश दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा बहुत ही जबरदस्त टेस्ट वाली फिश फ्राई बनकर रेडी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फिश फ्राई को सर्व कर लिया है और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और आपने देखा कि इसे हमने बिल्कुल नए और अलग तरीके से बनाया है। तो आप भी इस तरीके से एक बार इस फिश फ्राई को जरूर ट्राई करके देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। यकीन मानिए आप जब इसे बनाएंगे तो इसकी जो खुशबू है वो आपके पूरे किचन और पूरे घर में फैल जाएगी, और आप जिसे भी इसे खिलाएंगे तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।